मैं मेरे चैनल से अर्निंग इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो कंटेंट्स डाले थे तो उस पर मुझे अभी एक हफ्ते पहले जो है यूट्यूब की तरफ से मुझे एक मेल मिला है। उस मेल में मुझे बताया गया है कि जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है कि आप लोग शुरू से अगर कोई एक पेड़ लगाते हैं और उसको आप लोग बहुत बड़ा करते हैं और वह पेड़ आपका फल देने लगता है, उसके बाद अगर उस पेड़ को कोई काट के ले जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा, वो भी सिर्फ आप लोगों की गलती की वजह से। दोस्तों आप लोग भी क्या करते हैं, यूट्यूब पे बहुत मेहनत से काम करते हैं और अगर आगे चल के आपके चैनल पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आप यूट्यूब से पैसा ही ना कमा पाए तो आप लोग पे क्या गुजरेगी, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ है एक भाई के साथ जिनके साथ दोस्तों उन लोगों का चैनल मोनेटाइज है और वो यूट्यूब से काफी अच्छी अर्निंग भी कर चुके हैं, पर दोस्तों क्या हुआ उनके चैनल पे एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से अब उनका चैनल है वो दोस्तों एक भी पैसा नहीं दे रहा है। तो आप लोगों को वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो इनका नाम है अनिल वर्मा। तो अनिल जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूं मैम। तो आप ये बताइए कि आप अपने चैनल पे मतलब कितने टाइम से काम कर रहे हैं और आपके चैनल का नेम क्या है? मैडम मेरे चैनल का नाम अनिल वर्मा दे है और मैं आज से करीब 2020 में मैंने ज्वाइन किया था। हालांकि मैं यूट्यूब से बहुत पहले से काम कर रहा हूं 2018 से, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक और चैनल था जिससे मैं उस पर काम करता था, लेकिन उस पर काम करते करते जो है वो मेरा चैनल है मुझे ऐसे लगा कि वो डेड हो गया है चैनल। तो जैसे ही मेरा जैसे पहला लॉकडाउन लगा था तो उसमें मैंने ये चैनल अनिल वर्मा दे के नाम से स्टार्ट किया था। तो उस पे स्टार्ट करने के बाद इस पे मुझे व्यूज अच्छे खासे देखने को मिले तो मुझे भी ऐसे मनोबल हो गया कि मैं यूट्यूब पे काम कर सकता हूँ और यूट्यूब पे जो है अर्निंग भी कर सकता हूँ। तो यूट्यूब पे मैंने जब से काम करना शुरू किया है उसके बाद मेरा चैनल अच्छा खासा ग्रो हुआ था। जैसे कि सिद्धू मूसेवाला पे जब गोलियाँ चली थी उस टाइम मैंने उन पे वीडियो बनाई थी तो वो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो उसके बाद मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो हो गया और उसके बाद जो है मैंने मेरे YouTube चैनल से 2 पेमेंट ले चुका हूं और तीसरी पेमेंट मेरी अभी आने वाली है जिसमें मेरे $75 हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताइए कि अभी के टाइम पे जो आपका चैनल है उस पर कितने सब्सक्राइबर्स हैं? अभी मेरे चैनल पे 33,500 सब्सक्राइबर्स हैं। जी, तो आप ये बताइए कि आप अपने चैनल से अभी के टाइम पे पैसा नहीं कमा पा रहे, इसका आप लोग हमारी ऑडियंस को रीजन बताइए कि आखिर आप अपने चैनल से पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं अभी के टाइम पे। मैं मेरे चैनल से अर्निंग इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो कंटेंट्स डाले थे तो उस पर मुझे अभी एक हफ्ते पहले जो है यूट्यूब की तरफ से मुझे एक मेल मिला है। उस मेल में मुझे बताया गया है कि आपने जो है रीकंटेंट अपलोड किया है, लेकिन जैसे ही मैंने मेरे चैनल्स और वीडियो मेरे चैनल्स पे जितनी भी वीडियो मेरे डाली हुई है उस पर मैंने जो है मेरा खुद का कंटेंट अपलोड किया हुआ है, लेकिन किसी के बारे में अगर मैंने थोड़ा बहुत बताया है तो उनका थंबनेल हल्का सा जैसे फोटो वगैरह ऐसी चीज़ें मैंने यूज़ की हुई है, बाकी ऐसे कोई भी वीडियो में मैंने किसी का भी रीकंटेंट यूज़ नहीं किया हुआ है। अच्छा, तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि भाई ने अपने वीडियोस के अंदर किसी का कंटेंट भी यूज नहीं किया तब भी यूट्यूब ने इनको रियूज कंटेंट दे दिया और रियूज कंटेंट की वजह से ही ये अपने चैनल से एक भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अब आप लोगों को पता है कि 33,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद, चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी ये भाई यूट्यूब से अभी के टाइम पे कोई भी अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यूट्यूब ने इनके चैनल पे क्या दे दिया है, रियूज कॉन्टेंट। और दोस्तों इनका रियूज कॉन्टेंट किस चीज पे आया, वो आया दोस्तों थंबनेल पे। आप लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों से काफी बार कहती हूँ कि आप लोग भाई थंबनेल अपना लगाया करो, जेन्युइन चीजें आप लोग अपलोड करो, पर आप लोग क्या करते हैं पूरा का पूरा थंबनेल किसी का उठा लेते हैं और अपनी वीडियो के ऊपर चिपका देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। भाई के साथ भी यही हुआ है कि थंबनेल पे इनके रियूज कंटेंट आया है। क्या भाई आपको पता था कि आपके थंबनेल पे मतलब वो रियूज कंटेंट आ सकता है? नहीं नहीं, मुझे इस बात का नॉलेज नहीं था कि थंबनेल से भी रीकंटेंट का जो है YouTube की तरफ से आ सकता है। और उसके बाद जैसे ही मुझे मेल मिला तो मैंने 3-4 वीडियो पे जो है मैंने थंबनेल लगाए हुए थे तो वो मैंने फिलहाल हटा के और मैंने रीअप्लाई किया था, लेकिन वो भी अभी सक्सेस नहीं हुआ है। अभी 30 दिन के बाद दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा।
अच्छा, तो आप ये बताइए कि मतलब जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आप लोग भी क्या करते हैं, दूसरे के वीडियो का पार्ट यूज कर लिया या आप लोगों ने दूसरे का थंबनेल उठा के अपने वीडियो में लगा लिया, इससे क्या होता है यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करता, आपके चैनल पर रियूज कॉन्टेंट दे देता है। अब काफी लोग क्या करते हैं, पहले तो अपना फ्रेश कॉन्टेंट बनाते हैं ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, ठीक है, और मोनेटाइज होने के बाद क्या करते हैं, दूसरे का कॉन्टेंट उठा के वीडियो में लाने लगते हैं, दूसरे का थंबनेल चोरी करके अपने वीडियो में लगाने लगते हैं। इससे वो लोग समझते हैं कि हमारे चैनल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अब तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। पर दोस्तों आप लोग को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोग का चैनल मोनेटाइज हो गया हो, चाहे उसके लिए कितना भी समय हो गया हो, अगर आप लोग दूसरे का कंटेंट चोरी करके अपनी वीडियोस में मिलाते हैं या आप लोग दूसरे का थंबनेल अपनी वीडियोस के ऊपर लगाते हैं, तो आपके चैनल को चाहे एक साल हो गई हो, दो साल हो गई हो मोनेटाइज किए हुए, फिर भी आपके चैनल पे यूट्यूब बाद में रियूज कंटेंट दे देगा। चाहे आप उससे पहले कितना भी पैसा कमा लेना, उसके बाद आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। आप लोगों को क्या करना होता है, उसमें कुछ गलतियां होती हैं अपनी, जो आप अपने चैनल पे गलती करते हैं उनको अगर आप इंप्रूव करके अगर रीअप्लाई करते हैं तो आपका चैनल यूट्यूब फिर से मोनेटाइज कर देता है। अगर आप लोग अपनी गलतियों को नहीं पकड़ पाते और आप लोग सही नहीं कर पाते उस चीज को, तो आप अपने रियूज कॉन्टेंट को कभी भी सही नहीं कर पाएंगे। तो आपने इसके सॉल्यूशन के लिए भाई क्या क्या तरीके अपनाए कि आपका रियूज कॉन्टेंट वो हट जाए? री कंटेंट के लिए मैंने जो है YouTube की तरफ से मुझे मेल आया था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके चैनल की तरफ से जो है आप एक वीडियो क्रिएट कीजिए एक से दो मिनट की, और उसमें आप जो है अपना कारण बताइए कि आपके चैनल पे री कंटेंट दिया गया है, तो वो री कंटेंट होना नहीं चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के बाद मैंने जो है वो वीडियो अपलोड करके अनलिस्टेड में करके और उसमें जो है फॉर्म के अंदर उस वीडियो का लिंक अपलोड डालना होता है, तो मैंने वो लिंक डाल दिया, लेकिन वो वीडियो जो है मेरी रिजेक्ट हो गई, उस वजह से जो है अभी 30 दिन और वेट करना पड़ेगा। आपने मतलब वीडियो अनलिस्ट करके उसका लिंक डाला था उसमें? जी, तो ये गलती भी आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। आपके जिस वीडियो पे रियूज कंटेंट आया उन वीडियोस को कभी प्राइवेट या अनलिस्टेड ना करें, आप लोगों को हमेशा उन वीडियोस को पब्लिक ही रहने देना है। और इसका एक सॉल्यूशन आप लोगों को और मैं बता सकती हूँ, अगर आपके चैनल पे रियूज कंटेंट आ रहा है, अगर आप उस पार्ट को या तो जाके ट्रिम कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके बायटी स्टूडियो पे डेस्कटॉप साइट पे, अगर आप उसको ओपन करते तो आप उस पार्ट को ट्रिम करके निकाल सकते हैं, जिससे आपके रियूज कंटेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपके उस वीडियो पे 1 लाख से ज्यादा आ चुके हैं तो आप लोग उसको ट्रिम नहीं कर पाएंगे, आप लोग उसमें ब्लर कर सकते हैं। वहीं से जाके डेस्कटॉप साइट पे अपने चैनल को ओपन करेंगे तो वहां पर जाके आप अपने चैनल का जो भी आपने रियूज कंटेंट लिया है वो आप ब्लर कर सकते हैं, इससे भी आपके रियूज कंटेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग को ये दो तरीके मैंने बता दिए। बाकी अगर आपने किसी का थंबनेल चोरी करके अपने वीडियोस के अंदर लगाया है तो आप लोग भाई उस थंबनेल को पूरी तरीके से चेंज कर दो और अपना जो थंबनेल है वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा के अपना थंबनेल उस पर सेट करो, ठीक है। तो ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी, जैसे भाई के साथ हुआ है। और भाई आप ये बताइए कि आपने अपने चैनल से टोटल आज तक कितनी अर्निंग कर ली है? अभी तक मैंने जो है मेरी दो पेमेंट आई है, उसमें से मुझे जो पहली पेमेंट है वो $384 की मिली थी और जो सेकंड पेमेंट है वो मुझे $216 की मिली है, और जो उसके बाद जो पेमेंट आई है वो अभी मेरे गूगल एडसेंस में पड़ी है, $100 कंप्लीट होंगे तो आ जाएगी। तो गाइज आप लोगों को मैं क्लियर बता दूं, आप लोग यहां पर देख सकते हैं भाई ने अपने चैनल से टोटल $675 कमा लिए, वो भी सिर्फ दो पेमेंट के अंदर। आप खुद सोचो कि इनके चैनल पे कितना अच्छा व्यूज आता होगा कि $675 इन्होंने दो पेमेंट के अंदर कमा लिए। और अगर हम $675 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, $675 यहाँ पे मैंने डाला तो यहाँ पर इसकी कीमत आ रही 55,187 रुपए। मतलब आप सोच सकते कि सिर्फ 2 महीने में भाई ने 55,000 रुपए कमा लिया और इनकी सिर्फ एक गलती की वजह से इनका चैनल अब इन्हें कोई भी पैसा नहीं दे रहा है। जब तक वो प्रॉब्लम सही नहीं होगी तब तक इनके चैनल से कोई भी अर्निंग नहीं होगी। तो अगर आप लोगों को भी लाइफ टाइम अपने चैनल से पैसा कमाना है तो जो गलती इन भाई ने की है आप लोगों को ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो बस आप लोग समझ गए होंगे, और जो गलतियां इन भाई ने की है, आज इनका चैनल है दो पेमेंट इतनी अच्छे खासे $675 कमाने के बाद भी आज ये पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इनकी कुछ मिस्टेक्स, जो कि आप लोग को मैंने सोचा आप लोग के सामने लानी चाहिए और आप लोग ये गलतियां ना करें ताकि आप लोग फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक आप लोग भी पैसा कमा सके। तो गाइज आप लोग इस वीडियो से काफी आप लोगों को नॉलेज मिली होगी, काफी आप लोग सीख गए होंगे इस वीडियो से कि कुछ गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी है।
और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके इनके चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।